हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो बीके राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ग्लोबल वीपीएन ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, ग्लोबल वीपीएन ऐप क्या है, कैसे यूज करते हैं, सारी डिटेल पर बात करने वाला हूं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर दीजिएगा और उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, ऐप बिल्कुल नया है। अब यहाँ पर देख सकते हो 4.1 की रेटिंग मिली है इस एप्लीकेशन को, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, लेकिन ऐप नया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको यूज करने के लिए आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और जब इंस्टॉल हो जाए तो ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओके, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ग्लोबल वीपीएन कुछ इस तरीके से लिख के आ जा रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। यहाँ पर ऐड देखने को भी मिल सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे UID, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बट यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, स्मार्ट कनेक्ट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्मार्ट कनेक्ट, वीडियो एंड म्यूजिक, गेम, और उसके बाद यहाँ पर सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर यदि आप कोई भी सर्वर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन यदि चाहते हो आप गेम के लिए तो गेम पर क्लिक कर देना। ओके, गेम वाला सर्वर सेलेक्ट करना। ओके, अब वीडियो एंड म्यूजिक के लिए यूज करना चाहते हो तो वीडियो एंड म्यूजिक सेलेक्ट करना। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सर्वर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छे सर्वर भी हैं, आप इनमें किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं गेम के लिए यूज करना चाहता हूँ तो गेम वाले स्मार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ, अलाउ पर क्लिक करता हूँ और ये जो हमारा वीपीएन है कनेक्ट होना चालू हो चुका है। ओके, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आपको एक छोटा सा ऐड भी देखने को मिल सकता है और ये वीपीएन हमारा कनेक्ट हो चुका है। ये जो वीपीएन हमारा 59 मिनट के लिए कनेक्ट हुआ है और एक्स्ट्रा टाइम के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पर +2 आवर पर, तो एक छोटा सा ऐड आएगा और हमारा वीपीएन और टाइम तक चलेगा। अब वीपीएन कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी गेम्स है या थर्ड पार्टी वेबसाइट है, एनीथिंग, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अब वीपीएन को दोबारा डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको टैप टू स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको जस्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो आपका वीपीएन है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से ग्लोबल वीपीएन ऐप को यूज करना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।